मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दिल्ली मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली मेरठ RRTS रूट पर जल्द से जल्द काम समाप्त कर एक सेक्शन पर रैपिड रेल दौड़ाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। कुल 82.15 किलोमीटर लंबे रूट में से मार्च 2023 तक 17 किलोमीटर रूट पर रैपिड रेल चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 30,274 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी सरकार अब गवर्नमेंट ने चालू वित्त वर्ष में 1,326 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया है। आरआरटीएस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की माने तो इस 82.15 किलोमीटर के प्रस्तावित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर कुल 24 स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित है। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के रूट पर यह होंगे खास स्टेशन। इन स्टेशनों में सरायकाले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर डिपो, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसली, बेगमपुल, एमएस कॉलोनी, दरौली मेट्रो, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा आरआरटीएस ट्रेन फीड के लिए दो अलग से डिपो भी तैयार किए जा रहे हैं। आनंद विहार दिल्ली में आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्य में से 20 मीटर लंबी और 16 मीटर चौड़ाई वाली टनल बोरिंग मशीन के लॉन्चिंग शाफ्ट का निर्माण भी शामिल है। दो टनल बोरिंग मशीन TBM को लॉन्चिंग शाफ्ट में उतारा जाएगा ताकि आनंद विहार से सरायकाले खां की ओर आरआरटीएस जुड़वां सुरंगों को बोर किया जा सके, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी होगी। यह देश में मौजूदा मेट्रो प्रणालियों मेट्रो सिस्टम में दो स्टेशनों के बीच सबसे लंबे सुरंग खंड टनल सेक्शन।